नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीनाथ और आप देख रहे हो एसजी रॉयल वर्क। गाइस, स्प्लेंडर फुल रिस्टोरेशन के पार्ट्स वन में आपने देखा जैसे कि इंजन को चेसिस में ऐसे बाहर कैसे निकालते हैं और इंजन के एक एक पार्ट्स कैसे फिटिंग रहते हैं, उसको हमें कैसे ओपन करना है, वो सारी चीज़ें हमने पार्ट वन में सीख ली। पार्ट वन अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहीं से जाके आप चेक कर सकते हो। अभी पार्ट टू में हमें इंजन को क्लीन कैसे करना है, लेथ का काम कैसे होता है इंजन का, और उसको कैसे फिटिंग करना है जेन्युइन पार्ट्स के साथ, वो सारी चीज़ें हम पार्ट टू में सीखने वाले हैं। वीडियो की स्पीड नॉर्मल ही रहेगी, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको मिलने वाली। चलिए बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों की कॉमेंट आ रही थी कि भैया लेथ का काम कैसे होता है, वो सारी डिटेल्स में यहीं पर हम लेथ पर आ चुके हैं। और ये रहा हमारा हेड ब्लॉक और क्रैंक, और यहीं पे आप देख सकते हो इंजन का जेन्युइन जो पार्ट्स है वो भी हमारे पास है, जो कि हम इसमें डालने वाले हैं। यहीं पे आप देख सकते हो हीरो का जेन्युइन पिस्टन है, और ये वाला जो है हीरो का जेन्युइन रोड है, क्रैंक रोड, वो भी हम डालने वाले हैं। और यहीं पे आप देख सकते हो ये वाल्व है इंजन का, तो ब्लॉक जो है उसमें स्लू लगेगा और स्टैंडर्ड पिस्टन आएगा। तो फाइनली ये सब सामान और इंजन को यहीं पे रख के जाते हैं, ये सब काम होके कंप्लीट होके आ जाएगा हमारी शॉप पे। यहीं पे भी थोड़ा वेटिंग है, यहीं पे आप देख सकते हो ये जो काम हो चुका है इसका, पिस्टन वगैरह, यहीं पे ये ब्लॉक है, इसी तरह कुछ आता है काम होके। तो यहीं पे आपको कैसे काम होता है वो थोड़ा दिखा देता हूँ। यहीं पे आप देख सकते हो ये जो दिख रहा है मशीन कुछ बड़ा सा, वो हेड का है, हेड सर्विसिंग वगैरह इधर होता है, यहीं पर आप देख सकते हो। और ये जो ब्लॉक बोरिंग वगैरह के यहीं पर चल रहा है, ब्लॉक जो है वो बोरिंग हो रहा है, यूनिकॉर्न का ब्लॉक है, यहीं पर आप देख सकते हो बोरिंग वगैरह हो रहा है। और आगे यहीं पे आप देख सकते हो ये बड़ा सा लेथ जो दिख रहा है उसमें काफ़ी सारा वर्क होता है। यहीं पे जो हेड का काम चल रहा है और ब्लॉक का आप देख सकते हो यहीं पे। और बाकी सारा इस साइड भी बहुत सारा मशीनरी है जो कि आप देख सकते हो, इस पे सारा लेथ का और भी कई सारे काम जो है वो होते हैं यहीं पे। तो यहीं पे जो बड़ा सा मशीन दिख रहा है उस पे ब्लॉक बोरिंग वगैरह होता है, यहीं पे आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। यहीं पे आप देख सकते हो ये सब अभी ब्लॉक भी इधर पड़ा है पिस्टन के साथ, यहीं पे फाइनली कंप्लीट होता है। तो ये जो सारी मशीनरी है उस पे इंजन का काम होता है कंप्लीट। तो इंजन फिटिंग का सारा पार्ट्स और टूल ये हमने यहीं पे रख दिया है, तो वीडियो थोड़ा स्लो में ही रखेंगे और वीडियो की क्वालिटी अच्छी आए उसी के लिए हम यहीं पे बाहर वीडियो को शूट कर रहे हैं और इंजन को फिटिंग कर रहे हैं। तो सारा जेन्युइन पार्ट्स नया भी हमारे पास अवेलेबल है और इंजन के पार्ट्स भी अवेलेबल है। सबसे पहले इंजन बेयरिंग को निकाल लेते और नया डाल देते, 6003-6001 सारे बेयरिंग को निकालते हैं, गियर को चेंज करते हैं और गियर बॉक्स को फिटिंग कर लेते हैं। तो वीडियो की स्पीड नॉर्मल ही रखेंगे हम और जितना हो सके इतना नज़दीक से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इंजन को पूरा क्लीन कर लिया है, उसका वीडियोस भी हमने चैनल पे डाल दिया है, वो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा किस तरह इसको क्लीन करना है। बाकी जेन्युइन पार्ट्स की MRP कितना है वो सारा वीडियोज़ हम इसमें नहीं डाल पाए क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता था, फिर इसको हम लास्ट में उसका अलग से एक वीडियोज़ अपलोड कर देंगे। वो इसमें क्या कौन कौन सा पार्ट्स डाल रहे हैं, कौन सा पार्ट्स की कितनी MRP है, वो उसका अलग ही से ही वीडियो बना देंगे हम। और बाकी हमारी शॉप सूरत में है, गुजरात में। आपको अगर वीडियो के बारे में कुछ भी क्वेश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कि हमारा कॉन्टेक्ट करना चाहते हो तो यहीं पर डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहीं से जाके हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हमें फॉलो कर सकते हो। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये पार्ट में हमें इंजन को जेन्युइन पार्ट से फिटिंग करना है और अगले पार्ट्स में हम पूरी स्प्लेंडर जो है वो हमारी उसको फुल ओपन करेंगे और कलर में भेजेंगे, फिर कलर का काम आएगा। तो ऐसे एक एक पार्ट्स में सारा वीडियोस पूरा आता रहेगा। तो ये फटाफट इंजन को कर लेते हैं फिटिंग।
Thank you.